जैन साथियों, विजयपत कंपटीशन क्लासेस पीलीभीत में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रमोद गंगवार आपके साथ। देखिए, लास्ट वाली क्लास में हमने परसेंटेज का केवल बेसिक जो डेफिनेशन थी उसके बारे में जानकारी ली थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें पता लगता है कि कोई चीज़ परसेंट की फॉर्म में है और उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। अब आगे की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को आप एज अ फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी आपके सामने संख्या लिखी हुई है, मैंने आपसे कहा 600 का 16 सही 2/3%। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का यूज हम कभी भी नहीं करेंगे अगर हमें लगता है सवाल इससे टिपिकल हो सकता है। मैंने आपको बताया था चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी संख्या अगर परसेंट की फॉर्म में लिखी हुई है, इसका मतलब वो 100 से कंपेयर होने के बाद इतनी आ रही है। तो जब ये परसेंट है तो इस परसेंट को हटा के आप हमेशा भाग करते हैं किससे, 100 से करके। अच्छा, ये जब सॉल्व करते होंगे तो फिर आप पहले तो 16 का 3 से गुणा करेंगे और फिर ये वाला 2 ऐड करेंगे। तो जब इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और अपॉन में आएगा 3। ये जो अपॉन का 100 है इसको भी साथ में लिख लेंगे हम, और जब आप इसे हल करेंगे तो फिर 50 से ये 2 बार में कट जाएगा और आपका जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1/6। मेरा कहने का मतलब ये था कि 16 से 2/3% हमें ये बात बताता है कि कोई चीज़ 100 में 16 से 2/3 है। इसका मतलब वो चीज़ 6 में कितनी, 1 है। तो चाहे आप इसको कैसे भी कंपेयर कर लो, अगर आप अपॉन में 100 लिखना चाहते हैं तब तो 16 से 2/3 लिखोगे आप, और लेकिन अगर आप इसको नहीं इस तरीके से लिखना चाहते हो तो 16 से 2/3% की जगह पर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कितना, 1/6। और ये आप देख पा रहे होंगे कि इससे थोड़ा आसान भी लगेगा आपको भाग करने में, और कैलकुलेशन थोड़ी कम होने के बाद आपका डायरेक्ट कितना आ गया, 100 आंसर आ गया। तो ये जो चीज़ें हम पेपर में बैठ के सॉल्व करते हैं इन्हें कभी भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, इनको कन्वर्ट करना आपको मैंने बताया कि जैसे आपको फ्रैक्शन दे रखी है तो परसेंट कैसे बनाना है। लास्ट वाली क्लास आप मेरी देखिएगा और आपको ये बातें पता लग जाएंगी। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपके सामने लिखूंगा जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू कितने प्रतिशत के बराबर होती है, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें आपको आने लगेंगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि 1 गुना का मतलब कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है, यानी कि 1 की वैल्यू फ्रैक्शन में 100% के बराबर होती है। आप 100/100 को लिखेंगे तो 1 के बराबर ही लिखेंगे। अब इसके आगे आते हैं फ्रैक्शन पे। जैसे 1/2 कितना होता है, 50% होता है। अगर मैं 1/3 की बात करूं तो अगर आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये बराबर में आएगा 33.1/3%, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33 और ये डॉट डॉट, क्योंकि आप 1 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये 3 रिपीट होगा पॉइंट के बाद और 33.33% आता रहेगा। 1/4 को अगर आप लिखना चाहें तो ये बराबर में आएगा 25%। 1/5 को लिखना चाहें तो ये बराबर में आएगा 20%। 1/6 को लिखना चाहें तो ये आएगा 16.3%, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16.66 और .... क्योंकि ये 2 को जब 3 से भाग किया जाता है तो 6 रिपीट होता है। इसके आगे जाएंगे आप तो 1/7 आपका होता है 14.2%। इसके आगे 1/8 की अगर बात की जाए तो ये होता है 12.1%। 1/9 की बात की जाए तो ये होता है 11.1%। 1/10 की बात की जाए तो ये 10% के बराबर होता है। अच्छा, 12.1% को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना 12.5, क्योंकि 12.5 तो ये भी होता है। इसके आगे अगर 1/11 को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9.1%। इनको आप दशमलव के बाद भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 11.1/9% आपका इस फॉर्म में इस प्रकार से बन जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 11.111 और ये रिपीट होगा। अगर आप 1/11 लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 9.1%, या फिर आप लिख सकते हैं 9.09909%। 1/12 आपका बनता है 8.1%, या फिर आप लिख सकते हो इसको 8.33 और ये .... चलता रहेगा। देखिए, ये चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पेपर में यूज होती हैं। ये जो वैल्यू आपको सामने लिखी गई है 1/2 से लेके 1/12 तक की, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वैल्यू,
इसके अलावा भी आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है, जैसे कि 1/16 याद रखना है। प्रॉफिट लॉस में आपको बहुत जगह पे ये काम में आने वाली है, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो या तो ऐसे लिख सकते हैं 6/4%, और या फिर आप लिख सकते हो 6.25% को इस प्रकार से 6.25%। इसके आगे अगर बात की जाए तो 2/3 की अगर मैं बात करूं तो 2/3 कितना होता है 66.2%। 3/8 की अगर मैं बात करूं तो 1/8 का 3 गुना ही 3/8 होगा, और ये 3/8 जो होता है ये बराबर होता है 37.1% यानी कि 37.5%। आप अगर 5/8 की बात करें, अगर 5/8 की बात करेंगे तो 62.5% हो जाएगा यानी 62.1% हो जाएगा। 7/8 की अगर बात करें, अगर आप 7/8 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5% यानी कि 87.1%। ये वो वैल्यू हैं जो पेपर में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर कभी ज़रूरत भी पड़ती है, हमें नहीं पता है कि परसेंट में कितना मान होता है, तो आपको अभी मैंने बताया था जैसा कि आप परसेंट वाले को हटा के नीचे 100 लिख के उसको हल करके उसको फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे। लेकिन फ्रैक्शन में चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे कि जहाँ पर प्रतिशत से शायद सवाल कर पाना इतना आसान नहीं है जितना आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और किसी को भी किसी भी वैल्यू में डाउट लगे तो फिर आपको प्रतिशत बनाने के लिए मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि आप 100 से गुणा करेंगे तो वो चीज़ परसेंट में चेंज हो जाती है। अब देखिए इसी के माध्यम से कुछ सवाल हम करेंगे और वो सवाल आप देखिएगा। लास्ट वाली क्लास में एक कंसेप्ट पे हमने डिस्कस किया था और वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि दो चीज़ें अगर ऐसी हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर फिक्स हो जाता है तो उन दोनों में इन्वर्स रिलेशन क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दो अगर वैल्यू हैं या वेरिएबल हैं उनका मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि ये फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर ये कभी भी चेंज नहीं होगा तो अगर इस चीज़ में परिवर्तन करोगे तो ए से वी हुआ, तो इस चीज़ में परिवर्तन होगा V से A। ये रेशियो के फॉर्मेट में लिखा, अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। दोनों चीज़ों में इन्वर्स रिलेशन क्रिएट हो जाता है अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई फिक्स कर दिया जाए। और इसी पे बेस्ड हम कुछ सवाल करेंगे, जैसा कि आप देखिएगा सवाल नंबर एक ये है, आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा सवाल। सवाल नंबर एक ये है कि चीनी के मूल्य में 11.1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अच्छा देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, देखो बात यह है कि सवाल डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझो जिससे कि आपको ये पता लगे कि आगे और कहाँ कहाँ लगा सकते हो आप। आपको मैंने कहा कि चीनी का जो मूल्य है वो बढ़ा दिया गया, मूल्य आपने कितना बढ़ा दिया 11.1% बढ़ा दिया। अच्छा मूल्य बढ़ा दिया, आपसे कह रहे हैं उसके बाद कि ये बताइएगा कि खपत को आप कितना कम कर पाएंगे, खपत में होने वाली कमी बताइएगा। फिर आगे आपको एक जगह पर ये बात पता लगी कि भाई ये बताओ कि जो खर्च है उस खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब खर्चा आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब खर्चा आपका फिक्स हो गया तो पहले तो हम ज़रा जानकारी में समझते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ से समझ में आ रही हैं। देखिए खर्चा ही आपका वस्तु के बेस पर, कोई भी पर्टिकुलर वस्तु है, दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो उस वस्तु की खपत क्या है, खपत का मतलब कितनी मात्रा आप उसके इस्तेमाल में लेते हैं, और उसके साथ साथ उसका मूल्य क्या है। अगर आपने कहा खर्चा फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत को आपको क्या करना होगा, कम करनी होगी। तो मूल्य तो बढ़ रहा है कितना, 11.1% अच्छा 11.1% को आप जानते हैं, 11.1% लास्ट वाली क्लास में भी बात हुई थी कि अगर आप बदलना चाहें तो परसेंट हटा के नीचे 100 लिख लीजिए, और या फिर अभी इससे पीछे मैंने जब आपको लिखाई थी फ्रैक्शन में वैल्यू जो होती है इसकी वो क्या होती है 1/9। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। मूल्य में आपसे कहा मैंने कि वृद्धि हुई, अब वृद्धि हुई तो मैंने कहा कि 9/1 बढ़ गया, इसका मतलब जो रेशियो हो रहा है वो 9/1 बढ़ के कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। जो मूल्य का रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 9/1 बढ़ के 10 बन रहा है।
तो मैं कहूँगा कि जो खपत होगी उस खपत में इसका जस्ट इन्वर्स होगा। जस्ट इन्वर्स का मतलब क्या है कि इसको पलट के लिख देना है, तो जो खपत होगी वो कम होगी और ये जो कमी होगी वो किस प्रकार से होगी। अगर ये 9 से 10 हुआ तो इसका रेशियो बनेगा 10 से कितना, 9 बनेगा। तो खपत में जो कमी हो रही है वो 10 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। अगर ये खपत में जो कमी है ये 10 से 9 हो रही है, मैं आपसे पूछूं कि ये कमी परसेंट में कितनी हुई, तो आपका जवाब होगा कि भाई 10 से 9 होने में जो कमी हो रही है वो 1 की हो रही है। कितने की हो रही है, 1 की। अच्छा, जब कमी चेक करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस चीज़ से तुलना कर रहे हो आप उसी को नीचे लिखोगे। तो कमी आप देख रहे हो कि 10 की तुलना में 1 घटा है, तो तुलना किससे हुई, 10 से। तो 10 को नीचे लिखेंगे और गुणा किससे करनी है, हमें 100 से करनी है। जब आप 10 से ये जीरो कैंसिल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कमी हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, 10% की हुई। ये तो बात थी सवाल का हमें पूरा प्रोसेस समझने की कि भाई ऐसा है कि हम कर क्यों रहे हैं, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट क्यों रही है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई फिक्स रखा गया और पीछे हम जान चुके कि इनके बीच में रिलेशन ही इन्वर्स होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि वृद्धि यहाँ भी 1 की है और कमी यहाँ भी 1 की है, यहाँ कमी 1 की है और यहाँ वृद्धि 1 की है, लेकिन बेस यहाँ 9 है और बेस यहाँ कितना है, 10 है। तो बेस अलग अलग होने की वजह से ही तो अलग अलग उत्तर मिल रहा है हमें। यहाँ 11 से 1/9% मिला और यहाँ कितना मिला, 10% मिला। दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई यहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि बेस कैसे बदलना है उस चीज़ को आप डायरेक्टली समझ पाएं। जैसे कि अब मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट सवाल का आंसर कैसे लाना है। ये तो चीज़ें आपकी थी, केवल वैसे इतना ज़्यादा टाइम यहाँ भी नहीं लगना चाहिए। जब आपको ये बात पता होगी कि 11 से 1/9% 1/9 के बराबर है, तो अगर मूल्य 9 से 10 हुआ तो खपत हो जाएगी 10 से 9। जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी घट रही है और आपसे कह दिया जाए कि कोई चीज़ एक फिक्स कर दी गई है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर आपका इन्वर्स रिलेशन का कंसेप्ट ही लग सकता है। उसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है सवाल में कि आप किसी और तरीके से सोच पाएं सवाल को। चलिए बात करते हैं अब कि अगर आपने डायरेक्टली पता है कि भाई खर्चा फिक्स है, तो पहले तो मैं देखूंगा कि मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। ये एरो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ मैं, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। आपने कहा वृद्धि कितने की हो रही है, तो 1/9 की हो रही है। फिर मैंने कहा कि अगर खर्चा फिक्स है, आप यहीं से सवाल को समझें और एक लाइन में उत्तर लाने की कोशिश करें। खर्चा फिक्स है और खर्चा मूल्य पे भी डिपेंड करता है और उसकी खपत पे भी डिपेंड करता है। दोनों बातों पे डिपेंड करेगा ना खर्चा, क्योंकि खर्चा तो खपत और मूल्य के गुणनफल से ही पता लगेगा। तो अगर ये मूल्य बढ़ रहा है तो खपत को क्या करना होगा, कम करना होगा। और वो चीज़ कैसे निकालनी, जैसे आपने कहा कि भाई खपत में जो कमी होगी, जितनी मूल्य में वृद्धि हुई उतनी ही खपत में कमी होगी। मूल्य 1 बढ़ रहा है तो खपत 1 घटेगी। बस क्या होगा कि बेस को आप चेंज करेंगे, और बेस कैसे चेंज होगा, तो आप जानते हैं कि भाई रेशियो बनाएंगे तो 9 पे 1 बढ़ के जो कमी का बेस बनेगा वो कितना बनेगा, 10 बनेगा। आप यहाँ से ही देखें कि 9 में से 1 घटाएंगे तो इसका बेस आ जाएगा और 10 में से 1 घटाएंगे तो इसका बेस आ जाएगा। दोनों का बेस निकाल सकते हो। जब वृद्धि दे रखी तो कमी का बेस क्या बनेगा और कमी दे रखी तो वृद्धि का बेस क्या दे रखा है। यही चीज़ें किताबों में एज अ ट्रिक मिल जाती हैं आपको कि भाई बढ़ रहा है तो फिर जोड़ लो, घट रहा है तो आप घटा लो। तो आपको ना बढ़ाना है ना घटाना है, समझना है कि वृद्धि हो रही है तो 9 पहले था, 1 बढ़ने के बाद जो बेस बनेगा वो 10 बनेगा। अब जैसे आपको कमी दे रखी होती तो 10 में से 1 घटाते इसका बेस निकल के आ जाता 9। तो मैं सीधे सीधे यही कहना चाहूँगा कि आपको इस सवाल में इसका जो बेस है वो निकालने के लिए यहीं से समझ लो कि 9 पे 1 बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो कमी होगी उसमें बेस 10 हो जाएगा लेकिन कमी 1 की रहेगी। और 1/10 अगर आप प्रतिशत में नहीं भी जानते हो तो गुणा कर लो किससे, 100 से, और आपका जो आंसर मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा। तो ये तो बात थी आपकी कि अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई फिक्स हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक दो सवाल और करते हैं, फिर बात करेंगे कि अगर ये फिक्स ही ना रहे तो फिर क्या करेंगे। देखिए अगला सवाल अगर हम देखें तो एक सवाल है आपके सामने, एक आयत की लंबाई अगर 25% बढ़ा दी जाए तो फिर आयत की चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करना होगी कि क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब जैसे आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो आप जानते हैं कि बराबर क्या होता है, लंबाई और इंटू में क्या होता है, चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो मैंने कहा कि एक चीज़ अगर बढ़ेगी दूसरी घटानी पड़ेगी, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब ये चीज़ फिक्स है। तो इन्होंने तो सवाल में ये कहा है कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल है वो फिक्स रहना चाहिए और लंबाई को 25% बढ़ाना है। तो मैंने कहा कि लंबाई को 25% बढ़ाना है तो यहाँ लिख लो लंबाई, और 25% बढ़ाया और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5।
फिर मैंने कहा कि अब चौड़ाई में क्या करें, तो चौड़ाई में कमी करनी होगी, भाई रेशियो निकालते, चौड़ाई का रेशियो बनेगा 5 से कितना 4। तो मुझे पता लगा कि चौड़ाई में कमी हो रही है, और वो कमी कैसे पता लगेगी, 5 से 4 होने में आपकी कमी कितने की हुई, 1 की। चेक करने के लिए आप जानते हो जिससे तुलना हो, यानी कि जो पहले वाली चीज़ है पहले 5 थी अब 4 हुई है, तो घट रहा है, आप चेक करेंगे किस पर, 5 पे। 1/5 का गुणा जब आप 100 से करेंगे तो आपका उत्तर आएगा कितने परसेंट, 20%। इसका मतलब अगर 25% की वृद्धि एक चीज़ में होती है तो दूसरी चीज़ में 20% की कमी करनी होती है, अगर उन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ऐसे ही बात करते हैं आगे, एक और सवाल देखते हैं, और जिसमें आपको ये बात समझनी है कि अगर ये चीज़ जैसे फिक्स नहीं होती, सपोज करो कि ये चीज़ फिक्स नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं और आप उस सवाल को कैसे कर पाएंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि एक त्रिभुज के आधार में, एक त्रिभुज के आधार में अब इन्होंने कहा कि भाई त्रिभुज के आधार में 8 सही 1/3% की कमी कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो कह रहे हैं कि उसकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अब इसके साथ साथ एक और बात आ गई कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल हमारा क्या रहे, फिक्स रहे, मतलब क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। अगर क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उस केस में हमें क्या करना होगा, देखिए आप 8 सही 1/3% को लिख सकते हैं भाई 1/12। पीछे के आप देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, जब स्टार्टिंग में बात हुई थी तो 8 सही 1/3% 1/12 के बराबर था। अगर ये चीज़ कमी हो रही है तो मैं कह सकता हूँ 12 से घट के कितनी हो गई, 11 हो गई। मैं कहूँगा कि फिर वृद्धि कितनी होगी, तो भाई अगर आप बात कर रहे हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर आधार इंटू ऊंचाई होता है तो फिर आप ये बताइए 1/2 तो ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, इससे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी आधार और ऊंचाई पे डिपेंड करता है क्षेत्रफल। अब मैंने कहा कि आधार में कमी हुई इसी वजह से ऊंचाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि के लिए जो रेशियो बनेगा वो इसका जस्ट इनवर्स बनेगा, 11 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कितना हो जाएगा, फिर आप कहेंगे 1, और कितने पर बढ़ रहे, 11 बढ़ रहे। तो ऊंचाई में होने वाली जो वृद्धि होगी वो 1 बढ़ रहा है 11 पे, और अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से तो गुणा हो जाएगी, मतलब आप कह सकते हैं कि 9 सही 1/11% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब इन चीज़ों को देखिए हम दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे। दूसरे तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म करनी है। जब आपको पता है कि कोई भी एक चीज़ फिक्स रहती है तो उनके बीच इनवर्स रिलेशन बनना ज़रूरी है, वरना सवाल कर पाना मुश्किल है, फिर आप उनके बीच में और क्या रिलेशन निकाल सकते, कुछ भी नहीं। तो आप केवल इतनी चीज़ देखेंगे, जैसे ही आपसे कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे या फिर आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो आप तुरंत एक बात समझ जाइए कि जब एक चीज़ फिक्स है तो इसका मतलब जो बढ़ रहा है, आपको जैसे वृद्धि दे रखी थी, वृद्धि किस में दे रखी थी, आधार में, सॉरी कमी दे रखी थी आपको किस में, आधार में। तो आधार में अगर आपको कमी पता है 8 सही 1/3%, तो मैं समझ गया कि इसका मतलब कमी कितने की, 1/12 की। तो मुझे ये पता है कि इसका अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है तो ऊंचाई में तो आपको करनी होगी क्या, वृद्धि। तो ऊंचाई में अगर आप वृद्धि करेंगे तो फिर 1/12 की कमी है, यानी 12 में से 1 घट गया, तो मैं तुरंत समझ गया इसका जो बेस बनेगा वो 11 बनेगा, 12 में से 1 घट के इसका बेस 11 बनेगा, लेकिन यहाँ कमी है, यहाँ क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि 12 से 11, 11 से 12, बात वही है, यहाँ 1 घटा है यहाँ 1 बढ़ा, पहले नीचे 12 था अब नीचे कितना हो जाएगा, 11। और आपको परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करनी होगी, और 100 से गुणा करके इसका उत्तर आएगा 9 सही 1/11%। तो दूसरी चीज़ आपने देखा कि कितनी बढ़ पा रही है, 9 सही 1/11%, मतलब पेन का इस्तेमाल कम करना है और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब आप आगे देखिएगा कि अगर ये चीज़ फिक्स नहीं है उस केस में भी क्या सवाल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसको तो हम जरा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छी सी बातें जानते हैं कि इसका और कहां कहां इस्तेमाल कर पाना संभव है। जैसे कि एक ये सवाल देखिएगा, वैसे तो ये प्रॉफिट लॉस में है लेकिन कंसेप्ट हम यहाँ पर ये वाला लगा सकते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को यहाँ पर देखें। तो देखिए सवाल क्या है आपके पास, सवाल ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम
कम वस्तु देता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक दुकानदार है, वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा। और एक दुकानदार कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, मूल्य बढ़ रहा है, तो मैंने एरो ऊपर लगा दिया। आप कहेंगे 20% तो जी 1/5 ही होता है, तो 1/5 का मतलब ये नहीं है कि एग्जिट इतना होगा, लेकिन मैं ये कहने के लिए 5 पे 1 बढ़ेगा तो जो रेशियो बनेगा मूल्य में वो 5 से कितना बनेगा, 6 बनेगा। फिर इसके आगे बात हो रही है कि 600 रुपये में 5 किलोग्राम कम वस्तु देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 600 रुपये ही अगर आप खर्च करोगे तो आपको 5 किलो वस्तु कम मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, ये जो अमाउंट है 600 रुपये, ये 600 रुपये आपका अमाउंट फिक्स हो गया, और ये 600 रुपये अमाउंट फिक्स भी है, और इसी चीज़ को आप कह सकते हो खर्चा। ये एक जनरल बात भी है कि अगर आप उतना ही पैसा खर्च करते हो तो फिर अगर रेट बढ़ेगा तो आपको वस्तु पहले से कम मिलेगी। जैसे आपको कोई चीज़ आज 100 रुपये में मिल रही है, कल 120 की हो जाए, तो जाहिर सी बात है या तो 120 रुपये दो, और या फिर अगर आप 100 रुपये दे के अगर वो वस्तु लेंगे तो वो वस्तु क्या कर लेगा, कम कर लेगा। तो इस बात को जानिएगा कि अगर आप उतना ही पैसा खर्च करेंगे तो फिर आपको उतनी वस्तु नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ज़रा इसी चीज़ को समझते हैं कि मूल्य 5 से कितना हुआ, 6 हुआ। रुपया आपने कहा कि 600 ही खर्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु की क्वांटिटी है, मात्रा है, ये तो बात हो रही थी रेट की, अब बात कर रहे हैं वस्तु की क्वांटिटी की, यानी कि मात्रा की। तो वस्तु की जो क्वांटिटी है वो घटेगी, और 6 से कितनी घटेगी, 5 हो जाएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अगर आप रेट कोई भी एक चीज़ फिक्स रखोगे तो फिर ये दोनों चीज़ें इनवर्स रिलेशन में होंगी, और आप जानते हैं कि आपका पैसा भी तो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो वस्तु की मात्रा और वस्तु का मूल्य, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो खर्चा तो फिक्स हो गया, तो अगर इसमें रेशियो 5 से 6 है तो इसमें रेशियो 6 से 5 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सवाल में आपसे कहा गया है कि वस्तु की क्वांटिटी यानी वस्तु की मात्रा घट रही है, तो मैंने भी कह दिया कि घट रही है भाई, 6 से 5 होने का मतलब आप अगर इससे कंपेयर करें तो एक ही तो घट रही है। लेकिन सवाल में आपको एग्जैक्ट जानकारी कितनी दी गई है, सवाल में आपसे कहा गया कि जो एक यूनिट यहाँ से वस्तु की मात्रा में कमी हुई है, 6 था पहले अनुपात, अब 5 हो गया। सवाल में आपसे कहा गया कि 600 रुपये में अब जो वस्तु कम मिली है वो कितनी कम मिली है, 5 किलोग्राम कम मिली है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 किलोग्राम के बराबर है, यानी 5 किलोग्राम कमी हुई है वस्तु में। तो ये 5 किलोग्राम एक यूनिट के बराबर है, तो मैं आपसे पूछूं 6 कितने के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं 6 होगा, 6 × 5 30 किलोग्राम के बराबर। कंपेयर करने में कोई दिक्कत तो वैसे नहीं होनी चाहिए किसी को, एक यूनिट 5 किलो के बराबर है, तो 6 यूनिट का मतलब हो गया 6 × 5 कितना, 30 किलोग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं 5 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 यानी कि 25 किलोग्राम। अब जरा बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं, इस बॉक्स में मैंने लिख दिया ये क्या है, और इस बॉक्स में लिख दिया ये क्या है। देखो ये क्या निकाला है आपने, आप इसको समझ गए तो सवाल खत्म हो गया यहीं से। आपने कहा कि अगर रेट 5 से 6 हो रहा है और खर्चा 600 रुपये फिक्स है, तो आपको वस्तु जो कम मिलेगी वो 6 से 5 मिलेगी। 6 से 5 का मतलब एक यूनिट घट गया, और इस एक यूनिट की जगह 5 किलो घट गई वस्तु। अगर एक यूनिट की जगह 5 किलो घटाओगे तो 6 की जगह 30 रखना पड़ेगा ना, ऐसी 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। तो इसका मतलब पहले आप कह रहे थे कि वस्तु 30 किलो मिल रही थी, और अब आप कह रहे हो वस्तु मिल रही है 25 किलो, कितने रुपये में, 600 रुपये में। पहले 30 किलो वस्तु आपको कितने रुपये में मिल रही थी, 600 रुपये में ही, और अब अगर आप 600 रुपये ही खर्च करते हो तो आपको वस्तु मिलेगी कितनी, 600 रुपये में 25 किलो। भाई देखो वही चीज़ है कि 5 किलो कम मिलने का कारण क्या है, क्योंकि रेट बढ़ गया। तो देखो अगर आपने ये बात पता लगा ली कि 30 किलो वस्तु 600 रुपये में मिल रही है, तो मैं आपसे पूछूं कि प्रारंभिक मूल्य यानी कि पहले वाले के अनुसार, पहले 30 किलो मिल रही थी 600 रुपये में, तो रुपये ऊपर लिखेंगे और क्वांटिटी नीचे लिखेंगे। अगर आप कह रहे हो 30 किलो 600 रुपये में मिल रही थी पहले, तो 0 से 0 कटने के बाद यहाँ से जो रेट आएगा 1 किलो का 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा, यानी 1 किलो वस्तु पहले वाले मूल्य के अनुसार 20 रुपये में मिल रही थी। और मैं आपसे पूछूं वर्तमान मूल्य या नया मूल्य, तो नए मूल्य के अनुसार आप जानते हो कि अब 600 रुपये ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन वस्तु कितनी मिल रही है आपको, 25 किलोग्राम मिल रही है। तो 25 से अगर मैं इसे भाग करूँगा तो ये आएगा 24 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब अब 24 रुपये में 1 किलो मिल रही है और पहले 20 रुपये में 1 किलो मिल रही थी, तभी तो रेशियो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपने देखा कि
रेट आपका 5 से 6 था, इसीलिए यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 6 से 5 हुई। और आपने कहा 1 यूनिट कम हो गया, सवाल में कहा 5 किलो कम मिली वस्तु, तो 5 किलो की जगह 1 यूनिट लगाओगे तो 6 की वैल्यू 30 आ जाएगी और 5 की वैल्यू 25 आ जाएगी। ये सवाल को करने का एक अलग तरीका था कि अगर आप रेशियो को पलट के लिख देते हो तो क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो पता लग जाएगा। पहले वाली क्वांटिटी निकालो, बाद वाली क्वांटिटी निकालो, रुपए उतने ही खर्च हुए थे, यहाँ भी 600 यहाँ भी 600, तो जब 600 रुपए को 30 से भाग किया तो रेट 20 निकला, जब 600 रुपए को 25 से भाग किया तो रेट 24 निकला। ये तो बात हो गई एक अलग। अब एक और तरीके से इस सवाल को कर पाना संभव है, और आप चाहें तो क्वांटिटी ना भी निकालें तब भी आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए वो क्या रेट तरीका है ज़रा समझते हैं। वो तरीका ये है, ये आप भी जानते हैं कि किसी चीज़ का रेट बढ़ता हैगा, अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो फिर आपको वस्तु कम मिलती है, और किसी चीज़ का रेट घटता है तो फिर आपको उतने ही रुपए में वस्तु ज़्यादा मिलती है। अब ज़रा आप ये बताइए कि आपने कहा कि जो वृद्धि हो रही है रेट में वो कितने परसेंट, 20%, यही तो बात हुई। अब आप जानते कि 20% वृद्धि हो रही है तो आपका खर्चा 600 रुपये था ना, पहले 600 रुपये था, और 20% आप इसका निकालेंगे, 600 रुपये का कितना निकालेंगे, 20%। अच्छा 600 रुपये का 20% वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो 600 रुपये खर्च कर रहे थे आप 600 रुपये का 20% ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके सामान पूरा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो 600 रुपये का 20% निकालने पे आप देख रहे होंगे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और आपने देखा 120 रुपये आ रहा है। मैं ये क्या निकाल रहा हूँ, मैं ये निकाल रहा हूँ कि 20% वृद्धि का मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ जाएंगे आपके, 600 रुपये पे कितना बढ़ जाएगा, 120 रुपये। अब आपको 120 रुपये और देने पड़ेंगे, 600 रुपये से बात नहीं बनने वाली। तो 600 रुपये से जब बात नहीं बनने वाली, या तो 120 रुपये दो, या फिर दुकानदार कह रहा है हम कर लेंगे सामान कम। इस 120 रुपये की जगह पे ही जो वस्तु कम मिली है वो आपको बताइए कि 120 रुपये नहीं दिया आपने, इसलिए सामान कितना कम किया, 5 किलो। ये जो 5 किलो सामान कम हुआ इस 120 रुपये की वृद्धि की वजह से हुआ है, आपने ये वाले पैसे नहीं दिए इस वजह से उसने क्या किया, 5 किलो सामान कम कर दिया। आपने तो सिर्फ 600 ही रुपये दिए, तो 5 किलो सामान अगर 120 रुपये की जगह कम कर लिया तो फिर आप ये बताओ 5 से 120 को अगर मैं भाग कर दूँ तो 24 ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो दुकानदार ने कीमत लगाई है वस्तु की वो कितनी लगाई है, 1 किलो की कीमत 24 रुपये लगाई है। जो सामान कम किया है 5 किलो 120 रुपये में, तो 24 रुपये में एक ही किलो तो लगाई है वस्तु। 24 रुपये में 1 किलो वस्तु लगाने का मतलब ये हुआ कि आप उस समय जो वस्तु बेच रहे थे वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे थे, और यही वस्तु का कौन सा मूल्य कहलाएगा, नया मूल्य कहलाएगा, क्योंकि वृद्धि के बाद उसने इस रेट पर सामान बेचा है, ये उसका नया मूल्य हो गया। आप कहेंगे पुराना कैसे निकालेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो पुराना मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो आपको तो अभी बताया था कि रेट कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, और 20% बढ़ने का मतलब 1/5 बढ़ गया, तो इसमें तो सिंपली हो जाएगा भाई कि 5 पे 1 बढ़ के जो नया वाला मूल्य बनेगा वो 6 बनेगा। पहले वाला अगर 5 होगा तो बाद वाला 6 के बराबर होगा, तो मैंने कहा कि भाई 6 के बराबर तो 24 दे दिया इन्होंने, तो 6 × 4 ही तो 24 होता है। अगर 6 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 में 4 से गुणा कर दो, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब पहले वाला जो रेट होना चाहिए वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम होना चाहिए, क्योंकि रेशियो तो 5 से 6 ही बनेगा, 6 की वैल्यू 24, 4 से गुणा हुई, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। तो एक ये तरीका होता है सवाल को करने का। बाकी एक सवाल ऐसा ही और करते हैं, और देखिएगा आप उस सवाल को, कोशिश करूंगा कि आप ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ पाएं। देखिए इसी प्रकार का एक सवाल और हम करते हैं, एक ये सवाल देखिएगा कि चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी हो जाने पर 420 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार क्या है कि भाई चीनी का जो मूल्य है वो घट गया। अब ये जो मूल्य घट रहा है ये कितना घट रहा है भाई सवाल में, 16 से 2/3%। आपने कहा 16 से 2/3% का मतलब तो 1/6 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 से 2/3% की जो कमी है उस चीज़ के लिए रेशियो में लिखना, पहली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि आप कैसे पता कर पाएंगे, जैसे 6 में 1 घट रहा है तो पहले अगर ये चीज़ 6 होगी तो बाद में हो जाएगी कितनी, 5 हो जाएगी। मैंने कहा चलो मूल्य घटा लिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फिक्स कर रहे हो, क्या फिक्स कर दिया इन्होंने, इन्होंने कहा कि रुपया आपका फिक्स है और आप इस पैसे में कह रहे हो कि 420 रुपये ही खर्च करना चाह रहा है व्यक्ति,
तो ये 420 रुपये का जो खर्च कर रहे हो आप, ये 420 रुपये का जो खर्च है ये आपका फिक्स रहा है। अगर ये फिक्स रहा है तो आप ये कह सकते हो कि मूल्य अगर 6 से 5 होगा घटने के बाद, तो क्वांटिटी वस्तु की ज़्यादा मिल जाएगी। कोई चीज़ सस्ती होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी, और क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है वो आपसे कह रहे हैं कि 5 से कितनी हो रही है, 6 हो रही है। अब आप कह रहे हो कि 6 से 5 और ये 5 से 6 हो गई, लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई आप अगर 420 रुपये खर्च करते हो तो 2 किलोग्राम जो चीनी है वो आपको ज़्यादा मिलती है। तो 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो 1 की वृद्धि हो रही है, इस 1 की वृद्धि की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो कितना, 2 किलोग्राम। इस 1 की वृद्धि का मतलब 2 किलोग्राम, क्योंकि सवाल में रेशियो के अनुसार 1 की वृद्धि हो रही है, सवाल कह रहा है 2 किलो बढ़ रहे, तो 1 की वैल्यू को जब 2 लिखेंगे तो 5 की कितनी हो जाएगी, भाई 2 से ही गुणा करोगे ना, 1 की वैल्यू जितनी होती है उसी से गुणा कर दो, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 किलो। मैं आपसे कहूँ 6 की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 की वैल्यू भी गुणा कर लो 2 से, तो 6 × 2 कितना हो जाएगी, 12 किलो। यानी कि पहले आप जो था 10 किलोग्राम चीनी ले रहे थे और अब आप कितनी ले रहे हो, 12 किलोग्राम ले रहे हो। रुपया कितना खर्च हो रहा है, 420 रुपये। आप 10 किलोग्राम चीनी, अगर 10 किलोग्राम चीनी 420 रुपये में ले रहे हो, ये 420 रुपये खर्च करके 10 किलो चीनी मिल रही है। मैं आपसे पूछूं 1 किलो चीनी कितने की हुई, तो 10 से आप भाग करोगे ना इसे, तो आपका जो पहले वाला मूल्य आया, क्योंकि पहले वाली क्वांटिटी के अनुसार पहले वाला मूल्य आएगा और बाद वाली क्वांटिटी के अनुसार बाद वाला मूल्य आएगा, तो पहले मात्रा 10 किलो मिल रही थी 420 में, मैंने 10 से 420 को भाग किया तो प्रारंभिक मूल्य मिल गया हमें कितना, 42 रुपये प्रति किलोग्राम, ये आपका प्रारंभिक मूल्य आ गया। मैं आपसे कहूँ कि अब तो चीनी 12 किलो मिल रही है, लेकिन पैसा उतना ही खर्च हो रहा है, कितना, 420 रुपये। तो 420 को अगर 12 से आप भाग करके देखेंगे तो अब जो आपका मूल्य आएगा वो नया मूल्य आएगा, और ये नया मूल्य कितना हो गया, 12 × 36 और 12 × 5 = 60। मैंने कहा 12 × 36 और 12 × 5 = 60, तो मैंने कहा कि ये जो नया मूल्य है ये कितना हो गया, 35 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो नया वाला मूल्य 35 रुपये प्रति किलोग्राम है और पुराना वाला मूल्य 42 रुपये प्रति किलोग्राम है। 42 के हिसाब से 420 में 10 किलो मिलेगी चीनी, और 35 के हिसाब से 420 में 12 किलो चीनी मिलेगी। ये तो बात थी हमारी रेशियो वाले तरीके से इस सवाल को करने की। अब मैं बात करूँगा कि आप इस सवाल को और दूसरे वाले तरीके से करना चाहें तो बिल्कुल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है ऐसा, जैसे आपने कहा कि भाई चीनी का मूल्य घट गया कितना, 16 से ही 2/3%। तो मैंने कहा कि चलो 16 से ही 2/3% घट गया, तो 420 रुपये खर्च कर रहे थे ना, 16 से ही 2/3% अगर किसी चीज़ का मूल्य घट गया तो इतने पैसे आपके बचने चाहिए। अब बचने चाहिए तो आप ज़रा निकालो कितना बच पाएगा, 420 का की जगह गुणा आएगा और 16 से ही 2/3% 1/6 के बराबर आ गया। मैंने कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि 70 रुपये आपके बच गए, क्योंकि रेट घटेगा तो उतना पैसा बचेगा, जैसे 10% रेट घट गया तो 100 रुपये में 10 रुपये बच गए आपके, तो ऐसे ही 16 से 2/3% अगर घट गया रेट तो 420 में कितने रुपये बचे, 70 रुपये। आपने 70 रुपये अगर नहीं लिए तो आपको वो सामान तोल देगा ज़्यादा, और सवाल में आपसे कह रहा है कि कितना ज़्यादा सामान तोले, 2 किलोग्राम ज़्यादा मिल गया सामान। 70 रुपये बचत करने पर आपको सामान कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2 किलोग्राम। तो इसका मतलब अब 2 किलो जो वस्तु है, जो चीनी है, वो 70 रुपये में है। अगर 70 को मैं 2 से भाग कर दूं तो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो मूल्य लगाया गया वो 35 रुपये प्रति किलोग्राम लगाया गया, क्योंकि अगर 70 रुपये की जगह कोई व्यक्ति आपको 2 किलो दे रहा है, इसका मतलब 35 रुपये के हिसाब से दे रहा है। तो ये जो आपका मूल्य आता है इस केस में, ये नया मूल्य आता है, क्योंकि वृद्धि या कमी के बाद ही तो वो सामान कम तोलेगा या फिर ज़्यादा तोलेगा, तो लास्ट में जाके वो 70 रुपये की जगह 2 किलो सामान तोल रहा है, इसका मतलब 35 रुपये प्रति किलोग्राम था। आपसे मैंने पीछे भी बताया और फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालें हम इस सवाल में। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई मूल्य का जो अनुपात है वो आप निकालिएगा, कि मूल्य आपसे कहा जा रहा है कि 1/6 घट रहा है, तो 1/6 घट रहा है, इसका मतलब अगर ये पहले 6 होगा तो 1 घट जाएगा और अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 35 है तो गुणा किससे हुई, 7 से, 5 × 7 = 35 होता है। मैं आपसे पूछूं 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ भी 7 से गुणा कर दो, यानी कि पहले वाला जो मूल्य होगा वो 42 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तो इस प्रकार से इन सवालों में नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल हम बहुत जगह कर सकते हैं परसेंटेज में, और आगे भी हम करते रहेंगे हमेशा, जहाँ पे भी जरूरत होगी। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई फिक्स है, तो रेशियो का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए।
ठीक है दोस्तों, और अगली क्लास में मिलते हैं, इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे से मेथड हैं परसेंटेज में जिनको आपको पता होना चाहिए और उससे हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो सारी बातें हम आगे जानते हैं। थैंक यू दोस्तों।